ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका अगर कोई प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो बताएं मुझे, शाबाश, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। जी जी हामिद, क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो एक्सप्लेनेशन में ये स्टेज टू कह रहा है, यहाँ पे ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो है और टोटल प्रोडक्ट जो मैक्सिमम की स्टेज टू ये वाली है। नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जब कांस्टेंट हो जाए और टोटल प्रोडक्ट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा हूं। अच्छा, ये एक छोटा सा ना फर्क समझ लें। ये इस टॉपिक में ना एक छोटी सी कंफ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन ये है कि अगर इस टॉपिक को प्रोडक्टिविटी के लिहाज से एक्सप्लेन करें तो फिर तो वही तीन स्टेजेस बनती हैं जो थ्री लॉज ऑफ रिटर्न की हैं। यानी फर्स्ट फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, सेकंड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है और थर्ड फेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है। इन तीनों फेजेस में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज ही कर रहा होता है, पीक पॉइंट तक की जाता है। अच्छा, अब कुछ इंटरनेशनल बुक्स ऐसी हैं कि वो इसकी डिवीजन जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ जो है वो बाज़ुकात एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि वो इसको टोटल प्रोडक्ट के साथ ही एक्सप्लेन करती हैं। और जब टोटल प्रोडक्ट के साथ एक्सप्लेन करती हैं तो उनकी सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह की है कि ये जो पीक पॉइंट है टोटल प्रोडक्ट का, इससे जो आगे वाला हिस्सा है इसको वो थर्ड स्टेज कहता है, और जहां तक इंक्रीजिंग रेट के साथ ट्रेंड चल रहा होता है इसको वो फर्स्ट स्टेज कहता है, और कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रेट वाले हिस्से को वो सेकंड स्टेज कहता है। तो स्टेजेस के लिहाज से थोड़ी सी डिवीजन जो है वो बुक्स में अलग की जाती है। प्रोडक्टिविटी के लिहाज से जब आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है तो प्रोडक्टिविटी क्लियरली नोट कर लें कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा ही मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ लिंक होती है। प्रोडक्टिविटी एमपी के ग्राफ के अकॉर्डिंगली ही एक्सप्लेन होगी। तो जहां तक एमपी इंक्रीज कर रहा है वो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न है, पीक पॉइंट कांस्टेंट है, और फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न। सर, वो आपने ना कल एक डेफिनेशन छोटी सी बोली थी सर, वो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप वो उसकी वर्डिंग सेंड कर दें, तो सर किसकी एक बार सर बता डेफिनेशन? दें बारा ये वेरिएबल प्रोविजन की, सर वेरिएबल याद करना आसान हो प्रोपोर्शन, जाता, फिर समझ आ जाती। वेरिएबल प्रोपोर्शन की बच्चे डेफिनेशन बुक में नहीं है। व्हेन यू इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर, ये डेफिनेशन बुक में नहीं है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, उसमें बस वो ऊपर लिखा हुआ है कि थ्री लॉ ऑफ रिटर्न्स, तो लॉ प्रोपोर्शन, उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी नीचे वो अजम्पशन स्टार्ट कर दी है। अच्छा चले, मैं आपको बल्कि शो कर देता हूं, आप प्रॉपरली जो है वो नोट कर लें इसको। ओके जी अजीम, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? एक सेकेंड, जी ये जो फर्स्ट, ये बल्कि दोनों लाइन ही आप एज ए डेफिनेशन, नहीं सेकंड तो नहीं, वो तो ठीक है। ये जी ये जो फर्स्ट आपके सामने है, वैसे इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर आर इंक्रीज्ड विद द यूनिट्स ऑफ अदर फिक्स्ड फैक्टर द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज अप टू अ पॉइंट एंड आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज। ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। ओके जी अजीम बच्चे, आपका माइक नहीं अनम्यूट हो रहा, देखें आपकी तरफ से तो नहीं कोई इशू, अगर हैंड फ्री है तो रिमूव कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ग्राफ के बारे में पूछना था, ये ग्राफ में सेकंड स्टेज है, ये लाइन हमने ड्रा की हुई है, दो डॉटेड लाइंस, जी, ये एक जगह पे जहाँ मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों आपस में कट हो रही है, इसे भी वो कट कर रही है, और जिस जगह से मार्जिन प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव हो रही है, इस जगह पे भी वो कट कर रही है। तो मैंने ये पूछना था कि जब हम खुद ग्राफ बनाते हैं सर जी, एज इट, मतलब ये लाइन नहीं बनती, क्योंकि
से बनाते वक्त ना तो कोई शर्ट वो स्केजुअल है जिसके थ्रू बनानी है, तो जिसकी वजह से ये आगे पीछे हो जाए, तो इसका क्या करना देखें, चाहिए इसके इसमें? लिए दो चीज़ें नोट कर लें। अगर तो बच्चे आप टेबल के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, यानी आपको स्केड्यूल या टेबल दिया हुआ है, या आपने खुद एग्जांपल से बुक वाला टेबल यूज़ करना है, तो अगर तो आप टेबल के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं तो फिर तो ऑटोमेटिकली ग्राफ बनना ही ठीक चाहिए, क्योंकि आपको जो यस वैल्यूज दी गई हैं उसमें मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे जीरो को टच करेगा, टोटल प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उसी लेबर पे पीक पे होगा ना, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, अगर आपने विदाउट स्केड्यूल, विदाउट टेबल, विदाउट वैल्यूज ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए फिर एक हिंट नोट कर लें कि ग्राफ को ठीक ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है। ग्राफ को बच्चे ठीक ड्रॉ करने के लिए आप ये जो तीन फेजेस हैं, डॉटेड लाइंस हैं, ये सबसे पहले ड्रॉ कर लिया करें। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट फेज है, ये सेकेंड फेज है और थर्ड फेज है। अब अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट की डिवीजन देखना चाहते हैं, तो जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट इस फर्स्ट फेज को टच नहीं कर जाता, मार्जिनल प्रोडक्ट लाइन ऊपर को जानी चाहिए। देखिए, यहां तक मैंने ड्रॉ करके स्टॉप कर दिया। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है, फॉर एग्जांपल, वहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है, और ये डिक्लाइन करते करते एग्जैक्टली जहां पे सेकंड स्टेज क्रॉस कर रही है वहां पे चला जाएगा। तो जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं विदाउट टेबल, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट वेरिएबल्स, तो फिर आप इन ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह जो ऊपर वाले हिस्से में आप टोटल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो उसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है, आपकी स्टेजेस तो यही होंगी जो नीचे से डिवीजन आ रही है, लेकिन इसका जो पहला हिस्सा है टोटल प्रोडक्ट का, वो आप इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट इस ट्रेंड के साथ बनाएंगे। दूसरा हिस्सा इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, यहां तक ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका, देखें, टोटल प्रोडक्ट का पीक पॉइंट ऑटोमेटिकली मार्जिनल प्रोडक्ट के जीरो पे आ गया है, और उसके बाद आप इसको डिक्लाइन कर दें। तो ये आप स्टेजेस की लाइन जो है वो सबसे पहले डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लें, उससे आपको आसानी हो जाएगी कि मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ तक इंक्रीज करना है, कहाँ से जीरो से गुजारना है, और टोटल प्रोडक्ट का ट्रेंड या स्लोप कहाँ पे जाके चेंज करनी है। थैंक यू। जी, और बच्चे कोई क्वेश्चन, किसी किस्म का, प्रीवियस लेक्चर का कोई भी क्वेश्चन? ओके जी, देन मैंने आपको आज बच्चे एक फाइल भेजी थी वर्ड की। ये बेसिकली उसी चार्ट की फाइल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कल भी आपको हाईलाइट किया था कि एज ए चार्ट या टेबल तो आपसे नहीं पूछा जाता क्वेश्चन फाइनल पेपर में, लेकिन ये चार्ट या टेबल एक तरह से इम्पोर्टेंट है कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 रिमेनिंग, जितना भी पूरा चैप्टर रहता है, तकरीबन आधे के करीब अभी चैप्टर 5वां रहता है हमारा, तो इस चैप्टर में ये चार्ट आपको हेल्प करेगा कंपैरिजन करने में और मुख्तलिफ क्वेश्चंस को समझने में। तो हम काफी चीजें इस चार्ट या टेबल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो आगे चल के प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाती हैं। ओके जी, कल हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि जब प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करता है, तो वो किस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकेगा, ये डिपेंड करता है मार्केट के कंपटीशन पे। अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी, और अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। हमने कहा कि रियल वर्ल्ड में दुनिया का कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन हो। परफेक्ट कंपटीशन के करीब तरीन एग्जाम्पल कभी कभार कोट कर दी जाती हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे कौन सी हैं, लेकिन इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन की जो चारों टाइप्स हैं, मोनोपली है, ड्यूपली है, ओलिगोपली है और मोनोपलिस्टिक कंपटीशन है, ये 100% रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं। आपको बहुत से बिजनेस मोनोपली की कैटेगरी में मिल जाएंगे, बहुत से ड्यूपली की कैटेगरी में, ओलिगोपली और मोनोपलिस्टिक कंपटीशन भी वेरी कॉमन है, बल्कि ये मोनोपली वगैरह से ज्यादा कॉमन है। तो इसलिए ये चारों टाइप्स इम्परफेक्ट कंपटीशन की ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं। और प्रॉपर्टीज, यानी इन दोनों को कहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इन पांचों कॉम्पिटिशन्स को, मेनली दो है, क्योंकि हम इम्परफेक्ट को एक कैटेगरी लेते हैं और परफेक्ट को, इम्परफेक्ट की फिर सब कैटेगरीज हैं, मोनोपली, ड्यूपली, ओलिगोपली और मोनोपलिस्टिक कंपटीशन। तो नंबर वन, हमने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी, बेतहाशा। आप कहें हजारों लाखों प्रोड्यूसर्स एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। मोनोपली में ओनली वन सेलर है, ड्यूपली में टू प्रोड्यूसर्स या टू सेलर्स हैं, ओलिगोपली में फ्यू सेलर्स हैं। कल हमने कहा था 3 से 15 या 3 से 20 तक की रेंज यूज कर ली जाती है।
और अगर 20 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं किसी इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री कार मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, क्लॉथ हो, कपड़ा हो, जूते हो, कोई भी चीज हो, तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर 20 से ज्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, 50, 60, 100, 200, 500, 1000 प्रोड्यूसर्स हैं जो मिलता जुलता प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो हमें इंपॉर्टेंटली नजर आएगी, परफेक्ट कंपटीशन में नो कंट्रोल ओवर प्राइस। नो कंट्रोल ओवर प्राइस क्यों होता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कि सेलर्स की तादाद बेतहाशा है, यानी लाखों सेलर्स हैं। तो लाखों सेलर्स का मतलब यह हुआ कि अगर आप एक प्रोड्यूसर को पूरी मार्केट के हिसाब से कंपेयर करें, तो एक प्रोड्यूसर पूरी मार्केट या इंडस्ट्री के लिहाज से इतना छोटा है कि वो मार्केट या इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं कर सकता। प्लस इसके साथ दूसरी चीज, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये दूसरा फैक्टर है। होमोजीनियस का मतलब होता है किसी चीज का 100% सेम होना, 100% सिमिलैरिटी। तो दूसरी बड़ी वजह हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसा बिजनेस होता है कि जिसमें तमाम प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट 100% एक जैसा होगा। अब देखिए, इन रियल लाइफ तो ये तकरीबन नामुमकिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है होमोजीनियस प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई होमोजीनियस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता हो और उस बिजनेस में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी एग्जिस्ट करते हो, तो फिर इन दोनों का फाइनल नतीजा ऑब्वियसली क्या निकलेगा? नो कंट्रोल ओवर प्राइस। फिर इन में से कोई प्रोड्यूसर भी अगर चाहे कि मैं अपना प्रोडक्ट बाकियों से 1 रुपया महंगा बेच लूं या 1 रुपया सस्ता बेच लूं, तो ये अपना प्रोडक्ट किसी भी डिफरेंट प्राइस पे नहीं बेच सकेगा। यानी प्रोड्यूसर का मैं फॉर एग्जांपल कपड़ा बना के मार्केट में बेचता हूं, और अगर कपड़े या टेक्सटाइल में परफेक्ट कंपटीशन है, तो मैं अपने कपड़े की प्राइस खुद सेट नहीं कर सकूंगा। मार्केट में जिस रेट पे बिक रहा है, सबका बिक रहा है, मुझे भी उसी रेट पे बेचना पड़ेगा। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली नतीजा निकलता है नो कंट्रोल ओवर प्राइस। ओके, देन दूसरी तरफ हमारे पास है मोनोपोली फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका अपनी प्रोडक्ट की प्राइस पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, मोनोपोलिस्ट मार्केट में रोजाना 1000 यूनिट अपने प्रोडक्ट के सप्लाई कर रहा है और बाजार में उसका प्रोडक्ट 50 रुपए का बिक रहा है। अगर वो सप्लाई कम कर दे, फॉर एग्जांपल 900 यूनिट पर डे पे ले आए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, 55, 60 या 65 पे चली जाएगी। अगर वो सप्लाई और कम कर दे, 800 पे ले आए, तो ऑब्वियसली अगेन प्राइस लेवल और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो मोनोपोलिस्ट जो है वो सप्लाई कंट्रोल करके अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, और उसका फुल कंट्रोल होता है। यानी कि वो अगर सप्लाई जितनी, क्योंकि वो खुद ही तो टोटल इंडस्ट्री है, और कोई तो प्रोड्यूसर है ही नहीं, तो इसलिए वो जितनी सप्लाई कम करेगा, प्राइस उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूपली, म्यूचुअल प्राइसिंग। ड्यूपली में आमतौर पे हमें म्यूचुअल प्राइस नजर आती है। दो प्रोड्यूसर होते हैं तो वो दोनों आमतौर पे मिलके फैसला कर लेते हैं। लीगल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, आप भी इतनी प्राइस चार्ज करें, हम भी सेम प्राइस चार्ज करेंगे, ताकि हमें प्राइस कंपटीशन में ना जाना पड़े। तो ड्यूपली में आमतौर पे म्यूचुअल प्राइसिंग चलती है। यानी म्यूचुअल प्राइसिंग भी तकरीबन मोनोपोली प्राइसिंग की तरह ही होती है, काफी हाई प्राइस चार्ज की जाती है। देन ओलिगोपली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन दोनों में एक ही सिचुएशन है, सम इन्फ्लुएंस या सम कंट्रोल ओवर प्राइस। प्रोड्यूसर का अपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल है। सप्लाई कम करके आप प्राइस इंक्रीज भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो प्राइस लेवल डाउन भी आ जाएगा। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और ओलिगोपली में आमतौर पे प्राइस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल प्रोड्यूसर का होता है, यानी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को वो कम ज्यादा किसी हद तक कर सकता है। परफेक्ट कंपटीशन की तरह ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही कोई कंट्रोल नहीं है, और मोनोपोली या ड्यूपली की तरह ऐसा भी नहीं होगा कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइस हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज ना ओलिगोपली में होती हैं और ना ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर, होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन ऐसा बिजनेस होगा जिसमें प्रोड्यूसर हजारों लाखों की तादाद में होने के बावजूद 100% एक जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यानी वो या तो कोई नेचुरल प्रोडक्ट है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें डिफरेंस नहीं होता क्वालिटीज के लिहाज से, क्वांटिटी के लिहाज से, वो 100% सिमिलर प्रोडक्ट है। ओके,
देन नेक्स्ट है मे और मे नॉट बी होमोजीनियस प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्ट अपनी मर्जी से फैसला करता है, हो सकता है वो एक ही प्रोडक्ट एक ही तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके पूरे कंट्री में सप्लाई करे, हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में मोनोपोलिस्ट है तो वो अपने कुछ कस्टमर्स को पंजाब के रीजन में कोई और प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, सिंध में केपीके में कोई और प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो मोनोपोलिस्ट जो है वो हो सकता है वो सेम प्रोडक्ट सप्लाई करे और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट सप्लाई करे। ओके देन इसके बाद देखें ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ड्यूपली है आइडेंटिकल प्रोडक्ट। आइडेंटिकल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि 100% सिमिलैरिटी तो नहीं है लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे का बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है, यानी काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, टेस्ट का क्वालिटी का आमतौर पर डिफरेंस जो है वो बहुत कम एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद ओलिगोपली है नियरली आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, ओलिगोपली में फ्यू फर्म्स होंगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और फाइनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, वर्डिंग इंपॉर्टेंटली नोट करें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला प्रोड्यूसर जो है वो जानबूझकर अपना प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, कलर डिजाइन टेस्ट क्वालिटी पैकिंग कोई ना कोई चीज चेंज कर दी जाएगी ताकि अपने प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सके, दूसरे से मुख्तलिफ शो किया जा सके कस्टमर को। ओके देन चौथा पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में अगर कोई नया प्रोड्यूसर मार्केट में एंटर होना चाहे, यानी हजारों लाखों प्रोड्यूसर पहले बिजनेस कर रहे हैं, कोई और इन्वेस्टर ये चाहता है कि मैं भी इस बिजनेस में एंटर हो जाऊं, मैं भी इस तरह की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाऊं प्रोडक्शन करूं और मार्केट में बेचूं, तो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, जब चाहे न्यू बिजनेस मार्केट में एंटर हो जाए, जब चाहे न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस लॉस की वजह से बिजनेस शट डाउन करके एग्जिट कर जाए, यानी न्यू प्रोड्यूसर के मार्केट में बिजनेस में एंटर होने या एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर के मार्केट से निकलने में कोई किसी किस्म की रुकावट मौजूद ही नहीं है, पूरा साल पूरी इकोनॉमी में आपको परफेक्ट कंपटीशन में बिजनेस की एंट्री और एग्जिट नजर आता रहेगा। मोनोपोली, मोनोपोली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, एंट्री एंड एग्जिट इज वेरी डिफिकल्ट, बल्कि कुछ बुक्स लिखती हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मोनोपोली ऐसा बिजनेस है जिसमें न्यू बिजनेसमैन एंटर ही नहीं हो सकेगा, न्यू प्रोड्यूसर एंटर नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्टीज क्या होती हैं वो पूरा एक 6 नंबर का क्वेश्चन आगे चल के मोनोपोली वाले टॉपिक में आ जाएगा, बैरियर्स टू एंट्री, कि मोनोपोली के बिजनेस में वो कौन सी रुकावटें होती हैं जिस वजह से कोई न्यू इन्वेस्टर जो है वो इस बिजनेस में एंटर नहीं होता, यानी वो भी कोशिश नहीं करता कि मैं भी ये बिजनेस करना शुरू कर देता हूं। तो एंट्री एंड एग्जिट, और एग्जिट भी बहुत डिफिकल्ट है, अक्सर औकात मोनोपोलीज जो है वो नेचुरल या गवर्नमेंटल मोनोपोली होती है तो गवर्नमेंट उस चीज को छोड़ भी नहीं सकती, जैसे पाकिस्तान में रेलवे है, अब रेलवे जो है इनको नेचुरल मोनोपोलीज कहा जाता है, तो रेलवे जो है वो देख लें कि कई सालों से 20-25-30 साल से लॉस में जा रही है, बिजनेस शट डाउन भी नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट लॉस बर्दाश्त करती चली जा रही है, तो मोनोपोली लॉस में हो प्रॉफिट में हो एंट्री एंड एग्जिट वेरी डिफिकल्ट होता है, प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली हो तो भी एग्जिट डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी इसकी डिस्कशन हम बैरियर्स में करेंगे। ओके देन ड्यूपली एंट्री एंड एग्जिट इज डिफिकल्ट, देखें एक लफ्ज का फर्क है, वेरी डिफिकल्ट की जगह हमने सिर्फ डिफिकल्ट लिख दिया है। ड्यूपली के बिजनेस में रुकावटें बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी नए बिजनेस का ड्यूपली के बिजनेस में एंटर होना आमतौर पर मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है इस कारोबार को ब्रेक करना या आप कह लें इसमें न्यू बिजनेसमैन का एंटर होना। आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पाकिस्तान में देखें 40-50 साल तक पेप्सी एंड कोक ही बिजनेस करते रहे हैं 30-40 साल तक, अब कहीं जाके पिछले 8-10 सालों में जो है वो कुछ न्यू ड्रिंक मेकिंग कंपनीज इस बिजनेस में एंटर हुई हैं, तो एंट्री होती भी है, ऐसा नहीं है कि मोनोपोली की तरह बिल्कुल एंट्री होगी नहीं, कई कई 40-50 साल गुजर जाए लेकिन 10-20 साल 5 साल 10 साल 2-4 साल आसानी से गुजर भी जाते हैं, तो एंट्री एंड एग्जिट सम वट डिफिकल्ट किसी हद तक होता है। ओके सम वट नहीं डिफिकल्ट। ओके देन इसके बाद फिर हमारे पास है एंट्री एंड एग्जिट इज समवट डिफिकल्ट, ओलिगोपोली में और डिफिकल्टी थोड़ी सी कम हो जाती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इजी एंट्री एंड एग्जिट। देखें वर्ड्स का डिफरेंस समझें, इजी एंट्री एंड एग्जिट और परफेक्ट कंपटीशन में हमने कहा हुआ है फ्री एंट्री। फ्री एंट्री का मतलब है जीरो रेजिस्टेंस, जीरो बैरियर,
परफेक्ट कंपटीशन में कोई बैरियर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, आप कह ले मार्केट का बैरियर तो कोई है ही नहीं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट बैरियर इस तरह के हो सकते हैं, मार्केट में कोई बैरियर नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उससे जो है वो बैरियर्स जो है वो रिड्यूस होते हैं, यानी इजी एंट्री, दो चार छोटे मोटे बैरियर रुकावटें होती हैं, फिर ओलिगोपली में रुकावटें और बढ़ जाती हैं, ड्यूपली में और इंक्रीज होती हैं, और मोनोपोली में सबसे मुश्किल है न्यू बिजनेस का, न्यू फर्म का एंटर होना। तो यानी कि आप सादे लफ्जों में कह सकते हैं कि जितना हायर कंपटीशन होगा, जितने ज्यादा प्रोड्यूसर ऑलरेडी होंगे, उतना ही एंट्री आसान होगी। परफेक्ट कंपटीशन आइडियल सिचुएशन है, हजारों लाखों प्रोड्यूसर्स हैं और इसमें एंट्री भी सबसे आसान है, और मोनोपोलिस्टिक उससे मुश्किल है, ओलिगोपली उससे भी मुश्किल है, ड्यूपली में और ज्यादा मुश्किल है, और मोनोपोली में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई न्यू बिजनेस जो है वो एंटर हो सके। अच्छा, ये चार मेन फीचर्स हैं बेसिकली जिससे हमें ज्यादातर आइडिया क्लियर हो जाता है कि मोनोपोली क्या है, ड्यूपली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है। लेकिन इसके अलावा आगे चल के, क्योंकि आपसे हर एक का अलहदा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मसलन 6 नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, या इसी तरह से 6-7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली के फीचर्स या प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दें, या फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हाउ वी आइडेंटिफाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है, ये प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे चल के जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं उनमें से भी कुछ डिस्कशन यहाँ पे करते हैं ताकि अगेन आपको आइडिया क्लियर रहे। ओके, देन इसके बाद जो हमारे पास, देखें यहां तक हमने जो 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं उसमें तकरीबन हर पॉइंट में डिफरेंस है, मोनोपोली का ड्यूपली से फर्क है, ड्यूपली का ओलिगोपोली से। लेकिन इससे आगे जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें दो ही मेन कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी दो मेन कैटेगरीज हैं? नंबर 1, परफेक्ट कंपटीशन अलहदा से डिफाइन होगा, और इम्परफेक्ट के चारों कैटेगरीज में तकरीबन एक ही तरह की सिचुएशन होगी। तो ये ऐसे फीचर्स हैं जो इम्परफेक्ट के तमाम केसेस में एक जैसे होते हैं। ओके, पहला है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को परफेक्ट नॉलेज है 100%। अब इन रियलिटी तो ये मुमकिन नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं कि ये 2-3 बड़ी रीजंस हैं, परफेक्ट नॉलेज, होमोजीनियस प्रोडक्ट, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, ये दोनों तीनों बातें ऐसी हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल सिचुएशन है। ओके, आइडियल सिचुएशन में हम कह रहे हैं कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को 100% एक दूसरे की इंफॉर्मेशन होगी कि प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में मिल रही है, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, टेस्ट क्या है, कितने प्रोड्यूसर हैं, कितने 100% इंफॉर्मेशन दोनों के पास है। इन रियलिटी तो ऐसा नहीं होता। बाकी चारों कैटेगरीज मोनोपोली है, ड्यूपली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इन सब के लिए एक ही वर्डिंग है, इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी थोड़ा बहुत नॉलेज कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को एक दूसरे का होता है। कंज्यूमर को कुछ प्रोड्यूसर्स का पता है, कौन कौन मैन्युफैक्चरर है, क्या प्रोडक्ट बना रहा है, किस क्वालिटी का है। मोनोपोली में जरा इंफॉर्मेशन कम होती है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक की तरफ जाता है, उसके साथ साथ जो है वो इंफॉर्मेशन भी बेहतर हो जाती है कंपटीशन की वजह से, लेकिन इम्परफेक्ट नॉलेज है। देन परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर अगर एक फैक्ट्री से, एक कारखाने से, एक प्रोड्यूसर से दूसरे के पास जाना चाहे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की स्विचिंग बहुत आसान है क्योंकि लातादाद प्रोड्यूसर्स हैं बेतहाशा, तो जब चाहे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्विच हो सकते हैं एक फर्म से दूसरी में, दूसरी से पहली में। लेकिन बाकी तमाम कंपटीशन में हम कहते हैं कि मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो इम्परफेक्ट होती है, यानी लैंड लेबर कैपिटल और स्पेशली लेबर का जो मूव करना है एक फर्म से दूसरी फर्म में, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में, वो काफी मुश्किल होता है। देन नेक्स्ट होगा नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं करेगी, गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं है। आगे चल के जब हम इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि मार्केट इतनी परफेक्टली चल रही है कि गवर्नमेंट के कैलकुलेशन के मुताबिक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर किसी का दोनों में से नुकसान ही नहीं हो रहा,
यानी मार्केट अपने आप को खुद ब खुद इंप्रूव कर रही है, मार्केट सिचुएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट को मुदाखलत की जरूरत ही नहीं है कि स्पोर्ट प्राइस अनाउंस कर दें, इस साल प्रोड्यूसर का नुकसान हो गया है, सब्सिडी अनाउंस कर दें जी इस साल कंज्यूमर के लिए, इस तरह की कोई मुदाखलत नहीं होगी। तो गवर्नमेंट आमतौर पर परफेक्ट कंपिटिशन वाले बिजनेसिस में इंटरवीन नहीं करती, मुदाखलत नहीं करती, लेकिन बाकी चारों कंपटीशन में मे और मे नॉट बी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यानी अगर गवर्नमेंट फील करेगी कि मोनोपोली में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि कंज्यूमर के लिए तो प्रोडक्ट खरीदना ही मुश्किल हो गया है, प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है मोनोपोलिस्ट ने, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। इंटरवेंशन के कई तरीके हैं, मोनोपोली वाले टॉपिक में पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है। गवर्नमेंट प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकती है बाहर से सस्ती बेचने के लिए, गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल कमेटी बना सकती है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट इन तमाम कंपटीशंस में, जो इम्परफेक्ट की 4 सब कैटेगरीज हैं, इन तमाम कंपटीशन में गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पे मार्केट में इंटरवीन करती है। यानी गवर्नमेंट के लिहाज से अगर मार्केट सिचुएशन कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को डैमेज कर रही है, उसको नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर गवर्नमेंट मुदाखलत करेगी, कोई ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई ऐसा तरीकाकार इस्तेमाल करेगी जिससे कंज्यूमर या प्रोड्यूसर को सिक्योर किया जा सके, उसे नुकसान से बचाया जा सके। अदरवाइज अगर मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों ही डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म की वजह से जो है वो गुड कंडीशन में है, यानी कंज्यूमर को भी नॉर्मल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोड्यूसर भी नॉर्मल मुनाफा कमाता जा रहा है, तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, मार्केट को अपने आजादाना तरीके से चलने देती है। देन नेक्स्ट है डिमांड कर्व इज हॉरिजेंटल। परफेक्ट कंपटीशन में हम देखेंगे कि डिमांड की लाइन जो है एक फर्म के लिहाज से बिल्कुल हॉरिजेंटल होगी। यानी कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, कपड़ा बना के मार्केट में बेचता हूं, तो मेरे लिए डिमांड हॉरिजेंटल है एज ए प्रोड्यूसर। यानी 100 रुपए पे मैं 10,000 मीटर कपड़ा बेचना चाहूं, 50,000 मीटर बेचना चाहूं, 1,00,000 मीटर या 2,00,000 मीटर, मैं जितनी क्वांटिटी भी बेचना चाहता हूं 100 रुपए की प्राइस पे मार्केट में बिक सकती है। प्राइस फिक्स है, तो कोई भी फर्म जो है उसकी डिमांड लाइन, एक फर्म की बात हो रही है, पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही। यानी मैं एज ए टेक्सटाइल प्रोड्यूसर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूं, मेरे जैसे लाखों प्रोड्यूसर्स और हैं, तो हर किसी के लिए डिमांड की लाइन हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि मार्केट में रेट फिक्स है 100 रुपए पे, तो 100 रुपए पे मैं जितना कपड़ा बेच सकता हूं मैं बेचने की कोशिश करूंगा, या दूसरे लफ्जों में डिमांड ज्यादा हो या कम हो, प्रोडक्ट 100 रुपए पर ही बिकना है। तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। तो हम उसको आगे चल के लिंक और एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका नतीजा फिर क्या निकलता है। बाकी तमाम कंपटीशन में डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। बाकी तमाम कंपटीशन में डिमांड कर्व बिल्कुल नॉर्मल होती है, जैसे नॉर्मल डिमांड लाइन है, नेगेटिवली स्लोप्ड। यानी कि अगर ये प्रोड्यूसर अपनी प्राइस को कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की, अगर ये प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। यानी बाकी चारों कंपटीशंस में नॉर्मल नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व जो है वो वर्क करती है। ओके, अब एक पॉइंट ऐसा है जो परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में और ड्यूपली में आम तौर पे नजर नहीं आता, ना होने के बराबर होता है, लेकिन ओलिगोपली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बेतहाशा एडवर्टीजमेंट हमें नजर आएगी। यानी प्रोड्यूसर्स करोड़ों अरबों रुपया इश्तिहारों पे, एडवर्टीजमेंट पे, अपनी प्रोडक्ट मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, इंटरनेट पे, रोड्स पे, बिलिंग बोर्ड्स पे, जिस तरीके से भी, इवन यूट्यूब चैनल्स या कुछ भी हो सकता है, तो सिंपली एडवर्टीजमेंट पे बेतहाशा पैसा खर्च किया जाएगा। ओलिगोपली में भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्रोड्यूसर्स एडवर्टीजमेंट पे, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने पे जो है वो अमाउंट स्पेंड करते हैं। ओके, देन लास्ट पॉइंट हमारे पास है यू शेप्ड कॉस्ट कर्व। कॉस्ट कर्व तो यू शेप ही रहेगी, जो हमने एवरेज कॉस्ट ड्रॉ की हुई है। देखिए मोनोपोली की फर्म हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें, मोनोपोली हो, ओलिगोपली हो, परफेक्ट कंपटीशन हो, या कुछ भी हो, हर फर्म की कॉस्ट का स्ट्रक्चर वही रहेगा जो हमने एक्सप्लेन किया है। एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होगी। शुरू में जब फर्म आउटपुट लेवल इंक्रीज करेगी तो एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करेगी, किसी खास आउटपुट लेवल तक ये फॉल करेगी, उसके बाद एवरेज कॉस्ट दोबारा राइज करना शुरू कर देगी। तो एवरेज कॉस्ट हमेशा किसी भी किस्म की फर्म हो यू शेप्ड रहेगी। और लास्ट पॉइंट, परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो या डीपली हो, टारगेट ऑफ द फर्म हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
रैशनल टारगेट, बिजनेस क्यों किया जाता है, कारोबार क्यों किया जाता है, मुनाफा कमाने के लिए। तो ये दो दो प्रॉपर्टीज या दो पॉइंट ऐसे हैं जो तमाम कंपटीशन में कॉमन है। अच्छा, ये बचे एक ओवरऑल पिक्चर या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हाट इज इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इस चीज को लेकर जो है हम आगे प्रॉपर क्वेश्चनिंग की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उसमें आमतौर पर आपसे टेबल या चार्ट नहीं आता। मसलन उसमें पहला क्वेश्चन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन रेवन्यू ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स का रेवन्यू एक्सप्लेन करें, तो इस पे ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। जी हामिद, क्या क्वेश्चन है? आपका बच्चे माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। जी सर जी, ये जो हमने ये पॉइंट पढ़ा कि गवर्नमेंट मोनोपोली जब होगी तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी या नहीं भी करेगी, तो सर क्यों नहीं करेगी? वो तो हमेशा करती है सर, मोनोपोली तो आने नहीं देती गवर्नमेंट। मोनोपोली आने ही नहीं देती, मतलब कि मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देते, मतलब कि अगर कोई फर्म मोनोपोली का, तो सर ये कॉन्सेप्ट ये नहीं समझ आया। ये आपने कहां पे पढ़ा है कि मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देते? सर जैसा कि हमने लॉ में भी पढ़ा था कि इलीगल है मोनोपोली क्रिएट करना। जी मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते आप। आप किसी बिजनेस में, पाकिस्तान में मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान में फिलहाल लैपटॉप्स नहीं बनते, ठीक है? आप इन्वेस्टर हैं, आप कहते हैं जी मैं 5 अरब रुपया इन्वेस्ट करके लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कारखाना लगाना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट नहीं लगाने देगी? ऐसे तो लगाने देगी, लेकिन आप सिंगल प्रोड्यूसर होंगे। सिंगल प्रोड्यूसर को हम मोनोपोली कहते हैं ना। बच्चे डेफिनेशन को प्रॉपरली समझा करें, मोनोपोली नहीं ब्रेक की जाती, या दूसरे लफ्जों में एतराज मोनोपोली पे नहीं है। अगर मोनोपोली ऐसे हालात क्रिएट करती है जो पब्लिक के लिए अच्छे नहीं है, यानी हाई प्राइसिंग चार्ज करती है, मोनोपोलिस्ट कहता है जी हमने प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई ही नहीं करनी, उसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ हाई प्राइस, उसको हम मोनोपोली नहीं कहते। वो मोनोपोली की वजह से है, ठीक है, लेकिन अगर मोनोपोली ऐसी हो कि वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं कर रही, प्रोडक्ट जितनी उसकी कैपेसिटी है वो प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचती जा रही है, तो वेल एंड गुड, फिर गवर्नमेंट ने क्यों इंटरवीन करना है? गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं मुदाखलत करने की। एक्चुअली ये चेक एंड बैलेंस के तरीके होते हैं कि मोनोपोली को गवर्नमेंट चेक करती रहती है, ये जो मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी होती है। मसलन एक फर्म की कैपेसिटी है 10,000 लैपटॉप एक साल में बन सकते हैं, वो प्रोड्यूसर सिर्फ 500 लैपटॉप्स बनाता है, मार्केट में सप्लाई करता है। अब इतने थोड़े लैपटॉप जब सप्लाई होंगे तो हो सकता है जो लैपटॉप 50,000 का बिकना था वो 90,000 का बिकना शुरू हो जाए। अब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी कि आपने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,000 लैपटॉप की लगाई हुई है और आप प्रोडक्शन 500 से ज्यादा नहीं कर रहे, आपने लाइसेंस हमसे 10,000 का लिया हुआ है, नो गवर्नमेंट में इंटरवीन, या तो वो प्राइस फिक्स कर देगी या प्रोडक्शन इंक्रीज करने का कहेगी। अदरवाइज अगर वो 10,000 लैपटॉप सप्लाई कर रहा है और मार्केट से वो करोड़ों रुपया भी मुनाफा कमा रहा है, तो इस पे गवर्नमेंट इतराज नहीं कर सकती, ठीक है? इस पे तो नहीं है। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास पहला प्रॉपर क्वेश्चन, मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बताई, एक्सप्लेन रेवेन्यू ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, स्केड्यूल एंड डायग्राम की मदद से ये एक्सप्लेन करें कि रेवेन्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा। जी 979 क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी जी बोले। सर अगर आप यहीं पे आज स्टॉप कर दें। अभी तो हमने पढ़ा ही कुछ नहीं है, आप मुझे बताएं, जो हमने आधे घंटे की पूरी डिस्कशन की है, बुक में इस पे एक लफ्ज भी कहीं लिखा हुआ है? अभी तो हमने पढ़ा ही कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं यहीं स्टॉप कर दें, डिस्कशन कोई की नहीं, क्वेश्चन एक भी नहीं किया हमने। ये तो बच्चे ओवरऑल पिक्चर हमने डिस्कस की है, ये तो ऐसे क्वेश्चन के भी नहीं आने, चुप करके बैठ गए आराम से पढ़े, बस छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, ये कोई नहीं है, हमने कुछ पढ़ा होता वाकई सर, अकाउंटिंग ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है। अकाउंटिंग ने दिमाग खराब किया तो अकाउंटिंग कम पढ़ा करें ना, जिसका मसला है वहां से हल निकाल लें,
अकाउंटिंग ने दिमाग खराब किया और इकोनॉमिक्स में पढ़नी है. ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फर्म्स रेवेन्यू. देखें अगेन रेवेन्यू का मतलब क्या है, उर्दू में ट्रांसलेट करें आप तो वसूली, मार्केट से पैसा कितना वसूल होता है, यानी प्रॉफिट की बात नहीं हुई अभी, प्रॉफिट तो रेवेन्यू के बाद आएगा. सबसे पहले हमने कॉस्ट को समझा. मैं मार्केट में कपड़ा बना के बेचता हूं, मेरे कपड़ा बनाने पे खर्च किस तरह का आता है, मैं जब प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो क्या चेंज आता है, कम करता हूं तो क्या चेंज आता है, कॉस्ट में समझ लिया. अब ये कपड़ा बना के मैं मार्केट में बेचूंगा, मैं किस प्राइस पे बेच सकूंगा, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया कि ये कंपटीशन पे डिपेंड करता है. मैं अगर अकेला हुआ, मोनोपोलिस्ट हुआ, मेरे मुकाबले पे कोई प्रोड्यूसर ही ना हुआ, तो मैं शायद अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करने में कामयाब हो जाऊं कि ठीक है मैं इतना ही सप्लाई करूंगा ताकि अच्छी प्राइस मिल जाए. अगर कंपटीशन ज्यादा हुआ तो प्राइस कम हो जाएगी, और अगर परफेक्ट कंपटीशन हो गया तो मैं तो प्राइस कंट्रोल ही नहीं कर सकूंगा. मार्केट में वो कपड़ा 10 रुपए का बिके या 10,000 रुपए का बिके, मुझे उसी कीमत पे बेचना पड़ेगा. तो मार्केट की सिचुएशन के लिहाज से हम रेवेन्यू को समझने जा रहे हैं कि अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन के बिजनेस में एज ए फर्म एंटर होता हूं तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम द मार्केट किस तरह का होगा, उसका स्ट्रक्चर, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल. और अगर मैं किसी इम्परफेक्ट की कैटेगरी में जाता हूं, मोनोपोली, ओलिगोपोली वगैरह में, तो रेवेन्यू का स्ट्रक्चर क्या होगा. तीन वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होंगे, उनको जरा समझ लें. An analysis of revenue the money firm receive from selling their product is equally necessary to understand the behavior of firm. यानी फर्म सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फैसला नहीं करती कि हम इतने यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ये हमारा एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, इतने ही प्रोड्यूस करने हैं, उसके साथ साथ रेवेन्यू का भी रोल है. यानी कॉस्ट और रेवेन्यू मिल के फर्म की डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं, और प्रोड्यूसर इन दोनों चीजों को सामने रख के फैसला करता है कि एक्चुअली कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है और उसको मार्केट में किस प्राइस पे सेल करना है. ओके जी, देन टोटल रेवेन्यू, सिंपली फर्म ने एक महीने में, एक साल में जितना टोटल आउटपुट मार्केट में बेचा है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, टोटल रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल हम मंथली इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, या वीकली, वीकली कर लेते हैं, वीकली ज्यादा इजीली डिस्कस हो जाता है. एक फर्म मार्केट में हर हफ्ते कितनी क्वांटिटी बेच लेती है, किस प्राइस पे बेचती है, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. फॉर एग्जांपल फर्म ने 1,00,000 यूनिट बेचे हैं और हर यूनिट जो है वो 20 रुपए का बेचा है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म 20,00,000 रुपीज पर वीक. ओके, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैन सिंपली बी थॉट ऑफ एज हाउ मच मनी अ फर्म अर्न फॉर इट्स गुड ऑन पर यूनिट बेसिस. एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मसलन फर्म का वीकली रेवेन्यू है जी 20,00,000 रुपए, और ये 20,00,000 रुपए फर्म ने 1,00,000 यूनिट को बेचकर कमाए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ऑन एवरेज एक प्रोडक्ट की प्राइस उसने कितनी ली है, 20 रुपए. अगर यही 20,00,000 रुपए उसने फॉर एग्जाम्पल 50,000 यूनिट को बेचकर कमाए हैं, टोटल रेवेन्यू उसका फॉर एग्जाम्पल वही 20,00,000 है, लेकिन अब ये 50,000 यूनिट को बेच के उसने ये 20,00,000 रुपया जो है वो जनरेट किया है, तो ऑब्वियसली अब उसकी एवरेज यूनिट प्राइस जो है, जिसको हम एवरेज रेवेन्यू कह रहे हैं या प्राइस कह लें आप सिंपली, दैट विल बी द 40 रुपीज. तो सिंपली टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी सोल्ड, इसको हम एवरेज रेवेन्यू या सिंपली प्राइस भी कहते हैं. ओके, देन मार्जिनल रेवेन्यू, अगर फर्म लेवल ऑफ सेलिंग इंक्रीज करना चाहे, मसलन एक फर्म है वो पिछले 4 हफ्तों से मुसलसल 1,00,000 यूनिट बेचती आ रही है मार्केट में, जनवरी के पहले महीने में 1,00,000 यूनिट, पहले वीक में 1,00,000 यूनिट बेचा, दूसरे वीक में 1,00,000, तीसरे में 1,00,000, चौथे में 1,00,000. अब फर्म ये चाहती है कि हम अगले वीक में इससे ज्यादा यूनिट बेचें, हम 1,10,000 यूनिट बेचें, 1,20,000 यूनिट बेचें, तो ऑब्वियसली इसके लिए उसे प्राइस चेंजिंग करनी पड़ेगी. तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द इंक्रीमेंटल अर्निंग या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट सोल्ड. यानी जब फर्म 1,00,000 यूनिट बेच रही थी तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या था, जब फर्म 1,00,001 यूनिट बेचेगी तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 1,00,002 यूनिट बेचेगी तो क्या होगा. इसको जरा एग्जांपल से प्रॉपरली समझें इन तीनों डेफिनेशंस को. मसलन पहली सिचुएशन है हमारे पास रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन. एक सेकेंड के लिए आप ये समझ लें, आप सब के सब प्रोड्यूसर्स हैं, आप कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में बेचते हैं. फॉर एग्जांपल आप कपड़ा बना के बेचते हैं, और हम एक सेकंड के लिए फर्ज कर लेते हैं कि कपड़े के बिजनेस में परफेक्ट कंपटीशन है, पाकिस्तान में लाखों प्रोड्यूसर्स हैं वो, और वो आप जैसा मिलता जुलता ही प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं.
तो अगर कपड़े के बिजनेस में परफेक्ट कंपटीशन है तो सबसे पहली चीज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मार्केट में अगर ये कपड़ा 50 रुपए पर मीटर पे बिक रहा है, सारे प्रोड्यूसर 50 रुपए पर मीटर पर ही बेच रहे हैं और हजारों लाखों प्रोड्यूसर हैं, तो एज ए प्रोड्यूसर आप में से अगर कोई एक पर्सन ये सोचे कि मैं अपना कपड़ा जो है वो 50 की बजाय 60 रुपए पर मीटर पे बेच लूं, तो आपका कपड़ा ही नहीं बिक सकेगा। आप जैसे लाखों प्रोड्यूसर बिल्कुल आप जैसा प्रोडक्ट तो 50 रुपए का बेच रहे हैं, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज में हमने लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट 100% एक जैसा है, तो फिर आपका प्रोडक्ट तो 60 रुपए पे कोई नहीं खरीदेगा। और दूसरी साइड पे हम कॉस्ट की साइड पे जाकर ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये 50 रुपए की प्राइस ऐसे लेवल पे सेट होती है कि जो आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट है, यानी आप इससे कम बेचेंगे तो नुकसान में बेचेंगे, इससे ज्यादा आपसे कोई खरीदेगा नहीं। तो आप रोजाना का 1 लाख मीटर कपड़ा बेचें, 2 लाख मीटर कपड़ा बेचें, 3 लाख बेचें, 4 लाख बेचें, जितनी मर्जी क्वांटिटी आप बेचने में कामयाब हो जाएं, आपका हर नेक्स्ट यूनिट 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से ही बिकेगा। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी मार्केट में बेचने में कामयाब हो जाएं, आप जो है हर यूनिट, एडिशनल यूनिट जो है वो 50 पे बिकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एवरेज रेवे, अगर आपकी हर प्रोडक्ट 50 रुपीज की बिकती है, तो आप 100 यूनिट बेच लें या 2 करोड़ यूनिट बेच लें, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तो आपकी एग्जैक्टली 50 ही रहेगी। हर यूनिट जब बिका ही 50 रुपए का है, तो व्हाट डज इट मीन, आपकी एवरेज रेवेन्यू भी 50 पर यूनिट है, या दूसरे लफ्जों में आपकी एवरेज प्राइस क्या है जी, 50 रुपीज पर यूनिट। ओके, देन मार्जिनल यूनिट, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 यूनिट बेचे थे तो 5 × 50, ये क्वांटिटी है आपकी, ये प्राइस है, टोटल रेवेन्यू था आपका 250। अगर आप 6 यूनिट बेच लेंगे तो छठा यूनिट भी 50 पर ही बिकना है, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 300। तो एक एडिशनल यूनिट बेचने से आपके टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, 50 रुपीज। आप 7 यूनिट बेचने में कामयाब हो जाए तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा, 350। मजीद इजाफा या चेंज कितना आया है, अगेन 50 रुपीज। तो यानी के यहां से प्रूव ये हुआ कि अगर परफेक्ट कंपटीशन हो और प्रोडक्ट की प्राइस आपके कंट्रोल में ना हो, तो आपके प्रोडक्ट की पर यूनिट प्राइस, एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट या प्राइस, ये तीनों जो है ये एक ही रहेंगी, 50 रुपीज पर ही फिक्स रहेंगी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टोटल रेवेन्यू। फार्म एक यूनिट बेच ले तो टोटल रेवेन्यू 50 होगा, 2 यूनिट बेच ले तो फॉर एग्जांपल 100 हो जाएगा, 3 बेच ले तो 150, 4 बेच ले तो 200, यानी टोटल रेवेन्यू का ग्राफ जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, ना हम यहाँ पे कहीं इंक्रीजिंग रेट बना रहे हैं, ना कहीं डिक्रीजिंग रेट बना रहे हैं, बिल्कुल एक कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि हर अगला यूनिट 50 रुपए का ही बिकता है, तो यानी कि टोटल रेवेन्यू में इजाफा जो है वो एक ही स्पीड से होता रहेगा, एक फिक्स स्पीड के साथ ये बिहेवियर चलता रहेगा। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ये है रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि अगर किसी बिजनेस में परफेक्ट कंपटीशन है तो फर्म का रेवेन्यू जो है उसका स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह का होता है। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू उसके हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, इसी को हम डिमांड लाइन कहते हैं, यानी फर्म की डिमांड जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गई है, वो एक यूनिट बेचे, 2 बेचे या 10 बेचे, 50 रुपए का ही बिकना है, सेम प्राइस पे ही क्वांटिटी बिकनी है, और टोटल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है विद कॉन्स्टेंट रेट, ना टोटल रेवेन्यू के बढ़ने की रफ्तार कहीं पे तेज होती है ना स्लो होती है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। ओके, अब आ जाए अदर कैटेगरी में, रेवेन्यू अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। अगेन फर्ज करें आप मोटरबाइक्स प्रोड्यूस करते हैं, मोटरसाइकिल्स, और मार्केट में आपका कंपटीशन इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट में आप मोनोपोली कह लें, ड्यूपली कह लें, ओलिगोपली कह लें, कोई भी सिचुएशन ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों इम्परफेक्ट की कैटेगरी में रेवेन्यू का बिहेवियर एक जैसा होता है। ओके, इम्परफेक्ट कंपटीशन में देखें क्या होगा, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, फर्ज करें आप मोटरबाइक्स प्रोड्यूस करते हैं और आप अपनी मोटरबाइक की प्राइस सेट कर देते हैं 2 लाख रुपए, इसको हम 200K कह लेते हैं आसानी के लिए, 2 लाख रुपए, 200K। प्रोड्यूसर ये कहता है कि मैं 2 लाख रुपए की प्रोडक्ट जो है वो बेचूंगा, लेट अज्यूम वो सिर्फ एक मोटरबाइक
पर डे बेचने में कामयाब होता है। 2 लाख रुपए उसने प्राइस सेट की हुई है, रोजाना की सिर्फ एक बाइक उसकी बिकती है। ओके, नाउ वी विल सी टोटल रेवेन्यू रोजाना का कितना होगा, 2 लाख रुपए एक बाइक बिकती है, मार्जिनल रेवेन्यू भी 2 लाख ही है। अब अगर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि मैं एक से ज्यादा, अब रोजाना वो एक बाइक बेच लेता है, 2 लाख रुपए की प्रोडक्ट की प्राइस रखी हुई है, रोजाना एक बाइक बिक जाती है। अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं एक की बजाय रोजाना 2 बाइक्स बेचने में कामयाब हो जाऊं, तो सिंपल रूल यही है कि उसे अपनी बाइक की प्राइस कम करनी पड़ेगी। 2 लाख के हिसाब से तो एक बाइक बिक रही है, कितनी कम करनी पड़ेगी, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर वो 1,75,000 रुपए प्रोडक्ट की प्राइस सेट कर दे तो मे बी 2 बाइक्स बिक जाए। 1,75,000 रुपए की अगर वो बेचना शुरू कर दे तो 2 बाइक्स रोजाना बिकना शुरू हो जाती है, प्राइस उसने कम कर दी। बहुत से कस्टमर जो शायद 2 लाख रुपए की प्राइस पे ये बाइक नहीं खरीद रहे थे, तो उनमें कोई कस्टमर जो है वो एक ऐड हो जाता है कि चलो 1,75,000 रुपए आ गई या 1,75,000 रुपए, 2 बाइक्स रोजाना बिकना शुरू हो जाती है। अब हम देखना ये चाहते हैं कि इस डिसीजन से फर्म को क्या फायदा हुआ है। फर्म जब 1,75,000 रुपए की प्राइस पे बाइक्स बेच रही है तो रोजाना 2 बाइक्स फर्म बेच लेती है और फर्म को टोटल रेवेन्यू अब मार्केट से कलेक्ट होता है रोजाना 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख, पहले रोजाना 2 लाख रुपया कलेक्ट होता था मार्केट से, अब रोजाना 3.5 लाख रुपए कलेक्ट होता है। तो वी वॉन्ट टू सी कि जो प्राइस कम करने का फैसला था इसकी वजह से जो एक यूनिट इजाफी बिका है, इसकी वजह से टोटल रेवेन्यू में इजाफा कितना हुआ है। तो एक इजाफी यूनिट बेचने की पॉलिसी से टोटल रेवेन्यू में 1.5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से इजाफा हो गया। पहले 2 लाख रुपए रोजाना का रेवेन्यू था, अब 3.5 लाख रुपए। ओके, प्रोड्यूसर प्लान करता है कि मैं रोजाना की 3 बाइक्स बेचना चाहता हूं, साफ जाहिर है सिंपल रूल, उसे प्राइस मजीद कम करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर कहता है जी 1.5 लाख रुपए प्राइस सेट कर देते हैं, 1,50,000, और इस प्राइस पे प्रोड्यूसर 3 बाइक्स रोजाना बेचने में कामयाब हो जाता है। 3 × 150 टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूसर को रोजाना 4.5 लाख रुपए कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। प्रोड्यूसर एनालिसिस करना चाहता है कि प्राइस कम करके मैंने ज्यादा क्वांटिटी बेची है तो इसका मुझे कोई फायदा हुआ है, मेरे टोटल रेवेन्यू में कोई इजाफा हुआ है, तो रोजाना की कलेक्शन 1 लाख रुपया मजीद इंक्रीज हो गई है। कल तक रोजाना की कलेक्शन थी 3.5 लाख रुपए पर डे, अब रोजाना की कलेक्शन 4.5 लाख रुपए पर डे पे आ गई है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। दैट इज कॉल्ड 1 लाख रुपीज मार्जिनल रेवेन्यू। हम कहते हैं जी 3/3 बाइक बेचने से मार्जिनल रेवेन्यू कितना इंप्रूव हुआ है, या 3 बाइक्स पर डे की पॉलिसी से तो 1 लाख रुपया मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। ओके, प्रोड्यूसर कहता है अब मैं जो है वो 3 की बजाय 4 बाइक्स मजीद बाइक्स पर डे सेल में इंक्रीज करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली प्राइस और कम करनी पड़ेगी। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट की प्राइस 1,25,000 रुपए सेट कर देता है, रोजाना की वो 4 बाइक्स बेच लेता है, 4 × 125 टोटल रेवेन्यू 5 लाख रुपए उसे कलेक्ट होता है। अगेन प्रोड्यूसर वांट टू डू एनालिसिस कि क्या मुझे प्राइस कम करके बेचने से कोई रेवेन्यू कलेक्शन में फायदा हुआ है, तो कितना हुआ है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 50,000 रुपीज। यस, चौथा यूनिट बेचने से उसके टोटल रेवेन्यू में मजीद 50,000 का इजाफा हो गया है, यानी अगर वो 4 यूनिट पर डे बेचता रहे तो उसका टोटल रेवेन्यू प्रीवियस रेवेन्यू से 50,000 मजीद इंक्रीज हो जाएगा। ओके, प्रोड्यूसर 5 बाइक्स बेचना चाहता है रोजाना की, ऑब्वियसली प्राइस मजीद कम करनी पड़ेगी। फर्ज करें वो 100K 1 लाख रुपया प्राइस प्रोडक्ट की सेट कर देता है, उसकी 5 बाइक्स बिकना शुरू हो जाती हैं, लेकिन 5 × 100 टोटल रेवेन्यू 5 लाख ही कलेक्ट होगा, यानी कि 5वीं बाइक बेचने की पॉलिसी से मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो गया है। अगेन अंडरस्टैंड कर ले, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड व्हेन एडिशनल यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड, यानी कि जब इजाफी क्वांटिटी बेचने की पॉलिसी अख्तियार की जाती है, सेल्स लेवल पर डे पर वीक या पर मंथ इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है, तो टोटल रेवेन्यू में कितना इजाफा होता है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर जो है वो 1 लाख रुपए की बाइक की प्राइस पे 5 बाइक्स बेचता है, टोटल रेवेन्यू में इजाफा नहीं हुआ, पहले भी 5 लाख की रेवेन्यू आता था, बाइक से ज्यादा बिकना शुरू हो गई हैं, लेकिन क्योंकि उसने प्राइस कम कर दिया तो टोटल कलेक्शन उसकी मार्केट से 5 लाख रुपया पर डे ही है, यानी 5वीं बाइक का मार्जिनल रेवेन्यू 0 है। दिस इज द लास्ट पॉइंट जहां तक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्राइस को कम करेगा।
इससे ज्यादा प्रोड्यूसर प्राइस को, रैशनल प्रोड्यूसर इससे ज्यादा प्राइस को कम नहीं करेगा। क्यों कम नहीं करेगा? अगर प्रोड्यूसर मजीद प्राइस कम कर दे कि हम बाइक 75,000 की 75,000 की बेचना शुरू कर देते हैं, वेल एंड गुड, सेल बढ़ जाएगी, 5 की बजाय 6 बाइक्स बिकना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसका टोटल रेवेन्यू तो पहले से भी कम रह गया, उसको तो टोटल 4.5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। तो इससे तो प्रीवियस पॉइंट ही बेहतर था कि आप 5 बाइक्स पर डे बेचते रहें और रोजाना 5 लाख रुपए मार्केट से रेवेन्यू कलेक्ट हो। तो सिंपली अब फर्म या प्रोड्यूसर कैसे फैसला करते हैं कि उन्होंने किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना है? जब प्राइस कम करने से मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइन करते करते जीरो पे पहुंच जाए, तो एट दैट लेवल ऑफ प्राइसेस फर्म डिसाइड दैट कि अब प्राइस लेवल को इससे मजीद कम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर हम प्राइस लेवल मजीद कम करके ज्यादा क्वांटिटी बेचने में भी कामयाब हो जाएं, तो हमारा रेवेन्यू तो पहले के मुकाबले में भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लें, जो अक्सर स्टूडेंट की कंफ्यूजन रहती है, इवन बाद का टीचर्स भी इस पॉइंट को गलत एक्सप्लेन कर जाते हैं। आमतौर पर एक्सप्लेनेशन ये की जाती है कि एक बाइक बेची तो इतना रेवेन्यू, दूसरी बेची तो इतना रेवेन्यू, तीसरी, ये अलहदा अलहदा से बाइक्स नहीं है कि एक बाइक दो, ये पर डे, पर वीक या पर मंथ सेल लेवल है। क्योंकि अगर आप एक एक बाइक की बात करेंगे कि एक बाइक 2 लाख रुपए की बेची है और दूसरी बाइक 1,75,000 की बेची है, तो फिर तो आपकी टोटल कलेक्शन 3,75,000 होनी चाहिए, यहाँ पे 3,50,000 तो नहीं होनी चाहिए। एक बाइक 2 लाख की बिक गई, दूसरी बाइक 1,75,000 की बिक गई, तो 3,75,000 75,000 आपकी टोटल होनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये अक्सर स्टूडेंट की भी कंफ्यूजन रह जाती है एक्सप्लेनेशन की वजह से। तो ये सेल्स लेवल है कि आप पर डे 1 यूनिट बेच रहे हैं, पर डे 2 यूनिट बेच रहे हैं, पर डे या पर वीक 3 है, तो जो भी आपका सेल्स लेवल डिस्कस हो रहा है मंथली वीकली डेली, ये उसके अकॉर्डिंगली है। ओके जी, इसका ग्राफ जो है वो बच्चे इंशाल्लाह कल करेंगे, डिस्कशन तो टेबल की हो ही गई है, बाकी इंशाल्लाह हम कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर कंपटीशन। जी हामिद, क्या क्वेश्चन है? ओके ओके जी, ऑन क्या क्वेश्चन है भाई? वो कितने लोगों ने रेज हैंड कर लिया, जी बताएं सर, इसका क्वेश्चन बता दें किस तरह आना है। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यूज के बिहेवियर क्या होते हैं और इम्परफेक्ट में क्या होते हैं, ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। जी उस्मान, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, काइंडली आज का लेक्चर अपलोड करवा देंगे, आज नेट बहुत इशू हो रहा था, डिस्कनेक्ट होता जा रहा था। मैं कह देता हूं, ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी हामिद, आपका क्या क्वेश्चन है? सर वो ना मेरे ख्याल से लियो भाई, इसने टेस्ट का टाइम गलत सेंड हो गया, उन्होंने 11:30 रात का लिखा हुआ पीएम, एक दफा पूछ ले, शायद रात को ना टेस्ट लेना चाहते हो इस दफा। और दूसरा सर, अगर वो दिन टाइम भी है तो उस वक्त हमारी बीएमबीएसी क्लास है, अगर वो उस दिन में भी है ना तो 12 बजे तो बीएमबीएसी क्लास है, वो आधे घंटे तो टेस्ट दे नहीं होना। चले मैं आप उनको कहता हूँ, चैप्टर का टेस्ट है तो टाइम का थोड़ा सा करवा दें। ठीक जी, तवस्सुल आपका क्या क्वेश्चन है? सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है एवरेज रेवेन्यू वो सेम रहता है बिल्कुल, और इसमें ईच नेक्स्ट पे वो कम करता है, इसकी क्या रीजन? देखें असल में परफेक्ट कंपटीशन में आप कहते हैं कि एज ए प्रोड्यूसर प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है, मार्केट में आप जैसे हजारों प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बेच रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस 100 पे सेट हो गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप 1 यूनिट रोज का बेचें या 1 लाख बेचें, 100 रुपए पर यूनिट पर ही बिकेगा, ये तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में हम कहते हैं कि आपकी चॉइस पे है, जैसे अभी आपके सामने टेबल बना हुआ है, अगर आप प्राइस अपनी मर्जी से फॉर एग्जांपल 200 रुपया रखना चाहते हैं, 2 लाख रुपए रखना चाहते हैं, तो फिर एक बाइक बिकेगी आपकी रोजाना की, प्राइस आप सेट कर सकते हैं ना, डिमांड तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बाजार में अनाउंस कर देते हैं, जी मैं 2 लाख रुपए की बाइक बेच रहा हूं, तो 2 लाख रुपए पे हो सकता है रोजाना की सिर्फ एक बाइक बिके आपकी। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं रोजाना एक की बजाय 2, 3 या 4 बाइक्स बेचूं, तो ऑब्वियसली आपको प्राइस अपनी कम करनी पड़ेगी ना। तो नतीजा क्या निकलता है, इफ यू विल डिक्रीज द प्राइस तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज होगी। तो सिंपल रूल यहां से क्या निकलता है
कि क्वांटिटी डिमांड और प्राइस का आपस में फिर नेगेटिव रिलेशन हो जाता है। जैसे जैसे आप प्राइस कम करते जा रहे हैं, 200 पे एक बाइक बिकती थी, आपने 1,75,000 कर दी, दो बाइक्स बिकना शुरू हो गई, आपने 1,50,000 कर दी, तीन बाइक्स, तो प्राइस कम होती जा रही है, डिमांड इन द मार्केट बढ़ती जा रही है। ओके जी, अनस आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अनस आप हाँ बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ये आउटसाइड वर्ल्ड में ये एनालाइज कैसे करते हैं, ये प्राइस गिरा के फिर एनालाइज करते हैं कि नहीं? नहीं, रियल वर्ल्ड में भी बिल्कुल इसी तरह से है। मसलन आप एक प्रोडक्ट आज बेच रहे हैं, मसलन आप कपड़ा बेच रहे हैं 200 रुपए मीटर पे, आप कहते हैं जी मेरा रोजाना 25,000 मीटर कपड़ा बिक जाता है, आप कहते हैं मैं 26,000 बेचना चाहता हूं, तो यू हैव टू डिक्रीज दी प्राइस, आप उसको 190 कर दें, प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो जाएगी। हो सकता है आपका टारगेट अचीव ना हो, प्राइस 10 रुपए कम करने से आपकी सेल 26,000 पे ना पहुंचे, तो ऑब्वियसली आपको प्राइस मजीद कम करनी पड़ेगी। यानी प्रोड्यूसर टेक्निकली प्राइस कम करता चला जाता है अनलेस के उसका सेलिंग टारगेट अचीव हो जाए, वो उस वक्त तक प्राइस कम करता रहता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, देन आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल इसका ग्राफ की भी थोड़ी सी डिस्कशन रहती है वो भी करेंगे और आगे भी कंटिन्यू।